लाइव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदनी गुरु। बॉलीवुड के जाने माने स्टार अक्षय कुमार को काफी लंबे वक्त से एक हिट मूवी की तलाश हो रही है। पिछले कई सालों से अक्षय कुमार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दबंग नहीं मचा पा रही है। अब इन सब के बीच अक्षय कुमार OMG 2 के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अक्षय कुमार ने OMG 2 का ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है। 2012 में आई मूवी के फर्स्ट पार्ट ने तो बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा दिया था और मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी। लेकिन जैसे ही OMG 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ, वैसे ही अब लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। कहीं मूवी को लेकर बवाल मचा रहे हैं तो कहीं लोग मूवी को लेकर एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में मूवी OMG 2 ट्रेलर के पोस्ट होने के बाद ही राजनीतिक गरमाई हुई है। टीजर के रिलीज होते ही संत समाज इससे काफी आक्रोश नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र परी ने अक्षय कुमार के शिव के रूप को धारण करने पर अपनी आपत्ति जताई है और इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र परी ने इस पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कराते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां उन्होंने कहा कि आजकल यही देखने को मिल रहा है, जब भी कोई फिल्म को रिलीज करते हैं तो उससे पहले कुछ विवादित सीन दिखाए जाते हैं, जिससे फिल्म को लेकर काफी विवाद हो और फिल्म हिट हो जाए। इस तरह का काम हमारे लोग ही करते हैं। इस समय एक नया ट्रेंड चला आ रहा है कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है उसको विवादित किया जाता है, उसमें कोई ऐसे सीन दिखाए जाते हैं ताकि फिल्म का विवाद हो जाए और फिल्म पॉपुलर हो जाए। मेरा ये कहना है कि ये कोई देश के बाहर से लोग नहीं आए हैं, कोई मुसलमान नहीं है, कोई अलग जाति के लोग नहीं है, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई हैं। और अक्षय कुमार जी हमारे इतने अच्छे स्टार हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने जब भी इनकी फिल्म देखो कोई न कोई भगवान के विरोध में कोई न कोई सीन होता है। मेरा यही कहना है कि इनको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और आप भगवान के विरोध में कितना पैसा कमा पाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये पैसा जो है ये जल्दी से निकल जाता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो भगवान का विरोध करता है उसका पतन हो जाता है। मुसलमानों जो मुस्लिम धर्म उनके ऊपर फिल्म बना के देखें, इनका जो है सब तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन हम हिंदू है, हम कुछ नहीं कह सकते इनको, हम कुछ नहीं करते इनको, हम बोल करके चुप हो जाते हैं। इसलिए चीज़ें अच्छी नहीं है। तो अक्षय कुमार जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। उन्हें फिल्म जो है बंद होनी चाहिए। शंकर का रूप जैसे रामायण बनी थी, महाभारत बना है, बहुत अच्छे पात्र उसमें लगते, हुआ कि शंकर जी उसमें लोग दिखते थे, ठीक कृष्ण जो है बहुत सुंदर दिखते थे। अगर वैसी फिल्म उसमें दिक्कत नहीं है। आप जो है शंकर को जो गलत रूप से दिखाओ, भगवान राम को गलत रूप से दिखाओ, हनुमान जी को एक मुल्ला जैसा दिखा दो, अच्छी बात नहीं है। जो स्नातन बोर्ड जो है उसकी दरअसल इस मूवी का ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही फैंस ने मेकर्स को चेतावनी दे दी थी कि मूवी के ट्रेलर से हिंदू धर्म के लोगों को किसी भी तरह की कोई आपत्ति न हो। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की ये मूवी एक कॉमेडी मूवी है, जिसमें एक्टर भगवान शिव के लुक में नजर आएंगे और एक्ट्रेस के रूप में यामी गौतम एक वकील की भूमिका निभाते हुए नजर आ रही है। ये मूवी सिनेमाघरों में 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये मूवी रिलीज होने के बाद कितना धमाल मचाती है। आपको हमारे आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइव 24 को शेयर सब्सक्राइब करना और ना भूलें। धन्यवाद।